गया शहर के लालपुर जुगेश्वरी में एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा मेला का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मेला में बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ट्रस्ट के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मेला में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी असगर अली खान ने भाग ग्रुप के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ट्रस्ट के निदेशक तेज खान ने त्रिपरिचित कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यक्रम के मौके पर शंकर चौधरी, जावेद सलीम, संदीप कुमार, निशा भारती, सुरेंद्र प्रसाद, दिवाली कुमार सहित गांव में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना जानकारी है कि हमारा बेटा मैट्रिक पास हो जाए, आईएएस पास हो जाए, बीए पास हो जाए, ये लोगों को पता नहीं है कि सरकार का जो सात निश्चय योजना है उसमें आईए के बाद डिप्लोमा के लिए, एमबीए के लिए, बीसीए के लिए, एएनएम, जेएनएम, पॉलिटेक्निक के लिए सरकार जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है और क्रेडिट कार्ड का पैसा उस वक्त तक वापस नहीं देती है जब तक उस बच्चे को रोजगार नहीं मिलता। तो इसका अवेयरनेस बिल्कुल जानकारी गांव के लोगों को नहीं है और इस वजह से लड़के पढ़ लिख करके भी भटकते रहते हैं। तो हम लोग की कोशिश है हमारे सोसाइटी के कि पंचायतों में जा कर के, ब्लॉकों में जा कर के इसका अवेयरनेस कैंप चलाएँ। लेट से चूँकि हम लोग गवर्नमेंट साइड से नहीं कर रहे बल्कि गवर्नमेंट की मदद कर रहे, हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से, चूँकि मेरी आदत है कि हम साक्षरता अभियान के, देखिए गवर्नमेंट को प्रचार प्रसार करना चाहिए, उन लोग डीडीसी के कार्यालय से होता भी है, मगर हकीकत में कोई भी सरकारी योजनाएं, हम पल्स पोलियो के भी रीजनल ऑफिसर रह चुके हैं, तो हम देखते थे कि दलितों के गांवों में उसका अवेयरनेस की बहुत कमी होती है। ये लोगों का एक्चुअली में क्या है कि सुदूर इलाके में जो ग्रामीण इलाके हैं तो आज भी सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत ये सोचा गया था कि प्रत्येक गरीब का बाल बच्चा भी जिसका पैसा ना हो वो भी आगे की ओर पढ़ाई लिखाई कर सके, वो टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर सके। इसके लिए नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 4 लाख रुपये पढ़ने के लिए देती है, उसी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग आए हैं ताकि कोई क्या मकसद था जानकारी दे दूँ कि हम गांव घर शहर कस्बे में बहुत से देखते हैं कि पशु मेला लगता है और बहुत तरह के मेला लगते हैं, लेकिन आज मैंने मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक शिक्षा मेला का भी आयोजन किया जाए जिसमें कि हमारे क्षेत्रीय इलाके गांव घर के बच्चे शिक्षा के नाम पर इस मेला में जुटे और अपना जानकारी प्राप्त करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही सात निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसका लाभ उठाएँ, क्योंकि ये योजना 2016 से चल रही है और आज तक लगभग 7 से 8 साल बीतने के बावजूद भी इतना लाभार्थी होना चाहिए, इतना इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए बिल्कुल नगण्य है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए हमारे ट्रस्ट के सभी कर्मी जो आए हैं उनको मैं आभार करते हुए समाज के लोगों को, जैसे गांव घर मोहल्ले इर्द गिर्द के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैट्रिक इंटर के बाद जो घर पर अपने आप को एक शिक्षित युवा बनकर बैठ जाते हैं
उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग मैट्रिक इंटर करने को मात्र शिक्षित न समझे, वो शिक्षित तब हो जब आप एक अच्छा वोकेशनल कोर्स करके कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमाएं, या पैसे न भी कमाएं तो कम से कम एक नॉलेज हो, जानकारी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी ही नौकरी करें। आपने कहा 7-8 साल हो गए और लोगों तक जानकारी नहीं पहुँच रही है, जी आखिर मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण हम समझते हैं कि इसमें सरकार का भी कुछ कमियाँ हैं। जैसे मान लिया कि कुछ पदाधिकारी, पहले कर्मचारी पदाधिकारी को जवाबदेही दी गई थी कि आप लोग इसका लाभ जन जन तक दें, लेकिन कुछ पदाधिकारी हमारे ऐसे थे जो इसमें उतना मतलब थोड़ा सा अपने आप में होशियारी नहीं किए, या लोग तक नहीं पहुँचाए, मेहनत नहीं किए। लेकिन आज के डेट में जो हमारा ट्रस्ट के माध्यम से सरकार ने जिम्मा दे दिया है कि जो अच्छा NGO हो, अच्छा ट्रस्ट हो, जो अच्छा शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, वैसे लोगों को एक बीच का कड़ी बना के, बीच का माध्यम बना के, जो चाह रही है कि ज़्यादा से बेसिकली आप जागरूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों बिल्कुल ठीक है, परिचय दे दें। मेरा नाम देवली कुमार, आज के इस कार्यक्रम का संयोजक ग्राम मेरा लारपुर हुआ, जहाँ मेरा कार्यक्रम बनकर।